दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ से बहुत प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे, पर ये बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के साथ साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गई, जिससे सलमान खान को बहुत बड़ा सदमा लगा है। और इस तरह से सलमान खान को प्यार में धोखा मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सलमान खान की तरह ही बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने प्यार में धोखा खाने के बाद शादी नहीं की और अभी तक कुंवारे हैं। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन मशहूर सितारों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने प्यार में धोखा खाने के बाद शादी नहीं की और अभी तक सिंगल हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके उनके बारे में। नंबर 1, रणदीप हुड्डा। पहले बात करते हैं बॉलीवुड के स्टाइलिश एक्टर रणदीप हुड्डा की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में। तो आपको बता दें कि ये सुष्मिता सेन को डेट कर रहे थे, जिनका कुछ सालों बाद ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद दूसरा प्यार बनकर आई एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, जिनसे बेहद प्यार करते थे और उनसे शादी भी करने वाले थे, पर उन्होंने भी इन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और सिंगल हैं। नंबर 2, अक्षय खन्ना। 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर अक्षय खन्ना का भी इस लिस्ट में नाम है, क्योंकि ये अपनी पूर्व मंगेतर और मशहूर अभिनेत्री तारा शर्मा से बहुत प्यार करते थे और उनसे शादी भी करने वाले थे, पर उन्होंने किसी आपसी मतभेद की वजह से इनसे सगाई तोड़ ली, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा किसी से शादी नहीं की और अभी तक ये सिंगल हैं। नंबर 3, उदय चोपड़ा। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी पर नाम आता है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर उदय चोपड़ा का, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है। वहीं आपको बता दें कि ये बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नरगिस फाखरी के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में थे, जिनसे बहुत प्यार करते थे, पर कुछ कारणों की वजह से उन्होंने इन्हें छोड़ दिया, जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। नंबर 4, साजिद खान। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम शुमार है बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर साजिद खान का, जो कई सालों से जैकलिन फर्नांडिस को डेट कर रहे थे, जिन्हें बॉलीवुड में बोल्ड क्वीन के नाम से जाना जाता है, जिनसे बेहद प्यार करते थे और जल्द ही शादी भी करने वाले थे, पर उन्होंने इन्हें किसी और के लिए धोखा दे दिया, जिसके बाद इन्होंने किसी से शादी नहीं की और अभी तक सिंगल है। नंबर 5, करण जौहर। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम है बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर का, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, जिसके पीछे वजह है ट्विंकल खन्ना। जी हाँ, कॉलेज टाइम में और इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा था, तब से ये उन्हें बेहद पसंद करते थे, पर उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली, जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और सिंगल हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन अभिनेताओं के बारे में जानकर? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।